तो आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचों को बीसीसीआई जल्द ही स्टार्ट करने वाली है, जिसके लिए नया स्टार्टिंग डेट ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। और साथ ही साथ आईपीएल के बचे मैचों में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स खेलेंगे या फिर नहीं, इसके ऊपर इस वक्त काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स से माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करेंगे तो फर्स्ट डिपॉजिट पर बिल्कुल फ्री में 1500 रुपए मिल जाएगा और साथ ही में 20% का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। और इस ऐप पर आप लक्ष्मण रहाणे, गांगुली और राशिद खान जैसे चैंपियन प्लेयर के साथ खेल पाओगे। करना कुछ नहीं है, दोनों टीमों के प्लेइंग 11 में से बेस्ट 11 बनाना है। काफी सारे लोग करोड़ों रुपए जीत चुके हैं और आपके विनिंग को आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो देरी किस बात की, डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स से अभी डाउनलोड करें माई 11 सर्कल ऐप। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबिलिटी एट योर ओन रिस्क। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आईपीएल 2021 का नया ऑफिशियल डेट बता देते हैं और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के अवेलेबिलिटी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वक्त ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को लेकर काफी बड़ी अपडेट आई है, जिसके अकॉर्डिंग आईपीएल के शेष 31 मैचों में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पार्टिसिपेट नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का उस वक्त कई सारे देशों के साथ बायलेटरल सीरीज होने वाला है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के साथ उस वक्त सीरीज खेलेगी। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के स्टार प्लेयर्स आईपीएल के रिमेनिंग मैचों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं और इस बात का प्रूफ आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। इसके बाद आईपीएल के नए स्टार्टिंग डेट के बारे में बात करें तो आईपीएल का ऑफिशियल डेट अभी तक बीसीसीआई ने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन टेंटेटिव डेट्स आ चुका है। और ऑफिशियल डेट के बारे में बात करें तो 29 मई को बीसीसीआई की एसजीएम की मीटिंग होगी और इस मीटिंग में सौरभ गांगुली ये अनाउंस करेंगे कि आईपीएल के शेष 31 मैच कितने तारीख से स्टार्ट होंगे और आईपीएल के बचे मैचों को यूएई के कौन कौन से ग्राउंड में कंडक्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ अभी कुछ दिनों पहले बीसीसीआई की तरफ से ही एक रिपोर्ट आई थी, हालांकि ये ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन अब लगभग 95% कन्फर्म हो चुका है कि 19 सितंबर से आईपीएल के शेष 31 मैच एक बार फिर से स्टार्ट होंगे और 10 अक्टूबर को आईपीएल का फाइनल मैच खेला जाएगा, जहां पर 19 सितंबर को आरसीबी और केकेआर के बीच शाम के 7:30 बजे से आईपीएल का मैच एक बार फिर से स्टार्ट होगा, जो कि यूएई के स्टेडियम में खेला जाएगा। और आईपीएल 2021 के बाकी बचे मैचों को एक बार फिर से बीसीसीआई स्टार्ट करने वाली है, तो सितंबर अक्टूबर के विंडो में आईपीएल दोबारा से स्टार्ट होगा। तो यही था आईपीएल के नए स्टार्टिंग डेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के अवेलेबिलिटी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।